अस्सलाम वालेकुम भट साहब, जिंदा जनाब, मोर्चे में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बतहें चेक करते हैं, क्योंकि बतहें जो है ना वो पिंजरों में घुस चुकी हैं। अंदर चल के देखते हैं वाड़े के अंदर। ये देख कितनी कितनी सफेद है, बिल्कुल गंदी नहीं है, ये सारी गंदी है। अच्छा जी, इधर आ गई ये, सारा गंदा हो गया, नीचे बैठा गिर रही है, ये अंदर है। पानी रखा गया, ये सीखते हैं। काम तो ठीक, वैसे गंद नहीं पड़ता। ये हाथी कैम बैल ये लैला कर दी गई, मिक्स ब्रीड परे होगी है, मस्कवी परे होगी है, हाकी कैंप पहले ये होगी, असल ये ब्रीड है। इसमें भी ये कुछ मिक्स दो तीन दाने मिक्स घूम रहे हैं, असल ये लेयर ब्रीड अंडे देने वाली, यही हमने रखनी है, दूसरी तो बस आरजी तौर पे ही हमें बस। हाँ जी बस साहब, तो माहौल बदले है, कह रहे सहना रखना जो नहाण दिया, मैं क्या नहाण दिया तो गंद पान दिया, फिर गंदा पानी पीण दिया, नहाण की लोड़ नहीं, सिर्फ साफ पानी दियो ने ते पीने में। फिर प्रोग्राम कैंसिल किया, फिर कहते खुराक वास्ते अंदर ला दिया, ड्राम कट लिया। चलो 30 रुपये कर लेने, 30 रुपये कर लेने, लेकिन नहाने की लोड़ नहीं, साफ पानी की लोड़ है बस। लो जहाज भी जा रहे हैं, इफ्तिताह किया, किन्ने किया कहते सोना आ जाए तो सोना आ जाए तो। अच्छा, यह सोचिए वाले आए, उन्हें आख्या वो जी सोने की कान है वो सानू दो ना। गुजारा ही कर। ये अंदर भर्ती पा रहे हो जी? अच्छा, ऐसे ही सारा कचरा जो है ना थले आ जाना, इन ऊंचा करना है दफ्तर अंदर, फर्श पाने ना। अच्छा, ये कचरा सारा थले आके ते कर जो है फर्श हो जाता, कच्चा कर रहे हैं, कच्चा फर्श, फिर टाइल ते लग जी जी, टाइल ते फिर जमा दी लगे दी उस टाइम फिर भी लग जी, लेकिन हुन फिर मोती तो ते कच्चा फर्श करके नीरू वाला ते अपना सामान अंदर मोती तो शिफ्ट करिए। के सूरत हाल लारवियां दी? लारवे कल मैश तैयार कर लिया सब्जी का, तो उतो चिचड़े मंगवा कीमा करा के जरा तकरीबन 4 किलो सारा कर लिया, तो अज आगियाँ चुके उन्होंने शिफ्ट कर रही, मैश राती तैयार कर लिया लेकिन हाली गिला हा, मैं उन्होंने आख्या चलो थोड़ा मैश लैवल घट हो जाए तो अज जरा उन्होंने शिफ्ट कर देना। चलो
मुश्तफा साहब जो रात को बतहों के पिंजरे वेल्ड करते रहे तो ऐनक ला लेंगे ऐनक लाए बगाए बगैर तो आंखें खराब हो गई। मक्खियां तो बड़ी एक्टिव है, धुप्पे धुप्प आ गई, काम खराब हो गया। थोड़े दिन चुके पीछे करिए मास्टर लेवल है, मैंने कहा कुछ हो जाए। गोश्त सब्जी वैसे ना मैंने हिसाब लगाया कि जो सूखी काली तोरी होती है ना जी, ये अगर बीच में एक रख देना एक दो, अच्छा उसमें हलाव बड़े होते हैं। हाँ जी, तो फिर बीच में हवा की जो क्रॉसिंग है वो ठीक रहती है, हीट कम बनेगी। हाँ जी, क्या ख्याल है? ठीक है, उधर हमारे फार्म पे ऊपर देखते हैं, जैन को बोलता हूँ उधर से अगर कोई तोरी पकी हुई, वो बड़ी पकी लटकी हुई, हाँ तो एक मंगवा लेते हैं। मंगवा दो। ये जहाँ मक्खियों ने धूप में थी तो बड़ी परेशान थी, सारी उड़ गई थी, अब थोड़ी सी ना ठंडी हुई, सुकून आया। लेकिन अच्छा, एक तो हम आज एग्स को कलेक्ट करेंगे, फिर मेरा ख्याल है कि हम दो दिन के मक्खे के बाद दुकान, दो दिन के बाद अच्छा मक्खियाँ कम है ना, परसों फिर हाँ तो मक्खियाँ कम है, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन ना कर ले, ये उठा के चार और रख दें, चार और रख दें। वो सामने देखे ना जी कि ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मीटिंग भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत बहुत ये देखें, इधर देखें मक्खियाँ पानी भी पी रही हैं। तो मतलब है कि गेम जो है ना वो चल रही है फिलहाल ठीक। आज पूरा एक महीना हो गया, मैं पिछली 14 से आज 15 हो गई, एक महीना हो गया, 45 दिन का साइकिल है और ये हमें एक माह हो गया है, अभी ये मजीद 10 दिन 12 दिन और चलेगा तो फिर ये क्लोज होगा। हाँ 10-12 दिन बमुश्किल 8-10 दिन चलेगा, क्योंकि 42 दिन का असल में साइकिल होता है। हाँ 40 से 45 है, लेकिन एवरेज आउट करें तो वही 42, टेम्परेचर सेट हो ना इतना ही होगा, अभी मौसम ठीक है, पर रात को क्लोज सही कर दिया करें, वरना मक्खियों को रात को ठंड लगी ना तो सुबह इनकी एनर्जी लेट बाल होगी, जिसकी वजह से ना अंडे कम आएंगे। हाँ रात को 11 बजे लाइट ऑफ हो, सारा मुकम्मल क्लोजिंग हो, ये जो इधर लेके आए लगाने वाले वो लगा दें। हाँ अब रात को टेम्परेचर दो पीस दे गया था, चार और आ गए, कल 6 पीस पूरे हो गए, आज 6 के 6 ये लग देंगे। बस ठीक है, आज मैं तो जा रहा हूँ लाहौर, काम ज़रूरी पड़ गया। अच्छा चले मैं देख लूँगा सारा, इंशाल्लाह। ठीक है, और इधर यार कल मैंने फिर वो चैट जीपीटी से पता किया तो वो मेंढकों के तो काफ़ी नुकसान है। अच्छा हाँ मैं आपको तफसील भेज देता हूँ। ठीक है चले, मेंढक को हम निकाल लेते हैं, निकाल के ना ठीक है, तो इधर से कंधों पर आना भी बाजी लगा दो और फिर उसके बाद मेंढक फ्री जाली लगानी पड़ेगी यार। देखे ना ये हमने उस दिन 70% राउंड वोड कर लिया था ग्रो, लेकिन फिर देखे एक हफ्ते में, फिर अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, 3 दिन हुए हैं। हाँ तो बहुत तेजी से ग्रो करता है ये, लेकिन मेंढक बीज में छलांगे लगा रहे हैं, मेंढक को कर लेते हैं। हाँ मेंढक निकाल के बाहर फेंकेंगे और फिर इसके इर्द गिर्द जाली का कोई निज़ाम बनाए। मेंढक अभी तो सीजन मेंढकों का नहीं है ब्रीडिंग का, जी जी वो टोड पोड या क्या होते हैं वो अगर पैदा हो गए ना उन्होंने सारा जोला उन्होंने खा जाना है, ये भी खाते ही होंगे। ये रोज़ दे किन्ने टप पी जाते हैं बकरे? गलबन 4 ही पीते, लेकिन पिछले टाइम एक दफ़ा दोबारा रात वास्ते फिर कर रही थी। अच्छा ये 2 टप जनाब और ये 2 टप, ये 24 घंटे 4 ही पीते हैं? 24 घंटे में 4 ही, सुबह भी आए तो बीच में मिलता है पानी। अच्छा अभी ज़्यादा हो गया, फिर भी 4 ही पीते जी? 2 से 4 टप लग के लिए, एक टप में कितने लीटर होगा? तकरीबन 25 लीटर। अच्छा तकरीबन 80-90 लीटर ये रोज़ पी जाते हैं, और ये हैं 44-45 कितने हैं? इतनी में सही कह रहे हैं आप, 44-45 हो गया ना, इसका मतलब तकरीबन 2-2.5 किलो जी पानी रोज़ एक बकरा पी है जी। असल में छोटे भी हैं ना ये, जो छोटे छोटे हैं ये वाले जी, ये तो किलो ही पीते होंगे, कर दिए अलग अलग पार्टीशन। बिल्कुल
बकरे मिक्स हो चुके हैं जी, दो ढाई किलो फी बकरा रोज पानी पिए जा रहा है जी। आगे सर्दी आ जाएगी तो फिर उम्मीद है कि थोड़ा पानी पीना कम कर देंगे, लेकिन जो इनको खुराक मिल रही है ना माशाल्लाह, उससे जो है ना प्यास लगती है। मसाला जो दिए जाते हैं प्रोबायोटिक और मदर केयर, मदर केयर बकरों को भी दिए जाते? नहीं बकरों को तो नहीं है, वो तो बकरियों के लिए ही है, बीच में मैंने नाम ले दिया उसका, गवर्नमेंट बकरे उनको देते हैं नहीं सर मदर केयर नहीं दिया जाता। अच्छा जी, अब चेक करते हैं जी इधर की सूरत हाल क्या है। ये पेंट हो चुके हैं सारे, ये सारे ऊपर वाले ना, तो अब पेंट का काम तो शायद नहीं लगता, ख़त्म हो गया, पेंटर भाग चुके हैं, पिंजरे भी पेंट हो चुके हैं, बच्चे कोई 50 तो आ गए। अब पूछते हैं जी आफ्ताब से कि बच्चे और आए हैं कि नहीं आए, ये देखते हैं, फिर उसके बाद बकरी के बच्चों की सूरत हाल देखते हैं, फिर ज़रा लाहौर जाना पड़ गया, एक ज़रूरी मीटिंग है जी इस सिलसिले में। पहले बच्चे चेक करते हैं, बच्चे सो रहे हैं इसके उसके उसके उसके, एक पश्तो का लफ्ज़ है उसके, मैं पीने को शायद कहते हैं पानी पीने को उसके। आफ्ताब गायब है, आफ्ताब किधर गया जी, किधर गए, रहन दो रहन दो रहन दो, काम लग गया फिर रहन दो, पता नहीं कितने ने बच्चे दे दिए होंगे, पर पता करते हैं उसे। अब इसमें चेक करते हैं जी कि कितना गाड़ी का इंजन ऑयल कितना रह गया, तुसी हाथ ना ला के लें केज ना ला जाए। अच्छा केज ना, अच्छा जी इधर होगा ये कार्ड इसका, ये 44,703 पे, ये चला दिए सु अब देखते हैं कितना रह गया, 44,703 पे है, ये यहाँ पर रह गया जी 43,106, यानी कि अभी 1,000 किलोमीटर कम से कम तो है। आज पंखे बंद हैं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है ना वो डाउन है, टेम्परेचर चेक करते हैं जी, ये 26.5 पे टेम्परेचर आ चुका है, दिन के 10 बज चुके हैं, तो इसके बाद 10:26 पे है तो ये 12-1 बजे तक चला जाएगा 30 के आगे पीछे, फिर उम्मीद है कि पंखे अब नहीं चलाना पड़ेंगे क्योंकि मौसम अब तब्दील हो गया। चलें जी एक बार बकरियों को चेक करते हैं, वाड़ा आज बहुत साफ सुथरा है, बकरियों का दूध निकाल लिया गया, देखें ना अब थनों में उतना दूध नहीं है, वाड़ा बड़ा साफ सुथरा है आज, वो कीचड़ निकाल के मटी डाल दी गई है, बकरियां सारी जो है ना दूध, असल में ये सुबह निकाल लेते हैं 7 बजे के करीब, 7:30, अभी 10 बज गए तो दूध फिर आना शुरू हो रहा है ना, तकरीबन 30-32 किलो दूध इनका सुबह आ जाता है, 2.25 की एवरेज चल रही है इनकी फी बकरी दूध की, फर्स्ट टाइमर्स की, बच्चों में पहुंच के ये बच्चों में हल्का सा एक लूज स्टूल कह लें इसे, डायरिया फुल फ्लैज नहीं कह सकते, हाँ ये डायरिया प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लूज स्टूल है, ऐसे लग रहा है जैसे कीड़ों की वजह से मसला हुआ हो पेट में ना, क्योंकि डिवर्मिंग अभी तक नहीं हुई, बड़ी तेज़ी से ये कपड़ों को खाते हैं, अभी इन्होंने मुझे खड़े होकर डॉक्टर साहब से बात नहीं करने दें, डॉक्टर साहब ये खड़े हैं, डॉक्टर साहब ठीक हो जाए, अल्लाह का शुक्र, डॉक्टर साहब बच्चे खड़ो के तो गल तो नहीं करन देनी,
तो मोटी मोटी कर लेने हैं। ये दसो कि के सूरत हाल है जी इधर आ जाए अभी मुस्तफा साहब का तो सुनिए अखा खराब हो गई सर जी कल वेल्डिंग करते थे एनक तो बगैर ही तो मेरा ख्याल चल नहीं तो दस देना मैनेजर साहब रूम तो एनक मंगवा लेंगे उन्होंने चार सर जी जो कर लगे उन्होंने पहले कहवागे एनक ला लो कहते नहीं कोई थोड़ा जहा कर बकरी सर जी एक तो होगी क्रॉस अच्छा वो बकरी काली वो परली हाँ जी वो जो मैं बकरा कट के लै गया उन्होंने क्रॉस कराया नहीं बक क्रॉसिंग सीजन शुरू हो चुका है। ये वो पार्टीशन है जिसमें बकरियां उन्होंने क्रॉसिंग में डालनी है और प्रोटोकॉल दिया ना उनको ये जो है सारी एक दो दिन में ना तीन दिन में ये सारी उम्मीद है। प्रोटोकॉल क्या दिया आपने सर वो तो नहीं सकते कि फिर लोग कहते हैं कि करता है, नहीं करता काम हम जो करते हैं वैसे काम करते हैं एक इंडक्शन करवाई पूरी 8-9 दिन की इसके पीछे ना प्लान होता है बता दे कोई बात है ये ऑफ सिंक इसको कहते हैं प्रोटोकॉल जो गाय में चलता है जी हाँ तो लगाया इनमें कामयाब है ये हीट में आई पड़ी है सारी आ गई जी हाँ इसीलिए तीन बकरियाँ बकरे से खेल रही सारी खेल ये सारी जो खड़ी है सारी हीट में मैं सोच रहा था दूसरा बकरा भी डाल देना नहीं ये वो भी हाँ वो जो दूसरी है ये सारी एक बकरा बकरियां कितनी आपने डाली हैं क्रॉसिंग में 20 सर जी दो और ऐड हुई हैं 24 हो गई हैं पहले 22 थी अब 24 लेकिन इधर जो है वो कम है दो उधर है एक उधर और दो उधर है इधर है 24 के लिए ना ये ठीक है बकरा उसके पीछे वजह ये है कि अब ये 8 दांत होने के करीब पहुंच गए और 8 दांत बकरा 25 तक ना क्रॉस कर सकते हैं सर जी खड़ा है कि उधर क्रॉस करके आया तब से कोई क्रॉस नहीं है ना कि ये सारी ये पांचों हीट में नहीं ऐसे नहीं है जब ये सही हीट आ जाएंगी ना क्रॉस कर देगा एक काम आप कर सकते हैं अगर ये एक बकरा है बकरियां 24 हैं एक क्रॉस होगी 23 रहेगी एक काम ये कर सकते हैं कि जो बकरी क्रॉस हो ना बंदा इधर ही रहे इधर ही हो सकते उसको पकड़ के ना आप किसी आगे पीछे खाने में डाल दें वो तो क्रॉस हो गया ताकि बकरा जो है ना उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट ना करे क्या ख्याल है ऐसे ही है सर हाँ तो इसमें फिर आपकी सारी क्रॉस हो जाएंगी और अगर ये एक बार एक को क्रॉस करे ना तो फिर इनके जो ठहरने के चांस बढ़ जाएंगे जी स्पर्म क्वालिटी इसकी अच्छी रहेगी तो ये कर लें एक काफ़ी हाँ तो एक की ब्रीड आएगी तो बेहतर है क्या ख्याल ऐसे ही ये मेहनत तलब काम लेकिन कर लें कर रहे हैं सर जितना पॉसिबल हो सके जब इधर से हिलें तो किसी को बिठा के जाए जी ये खाना खाने का टाइम है ताकि बंदा बैठा हो ठीक है और ये जो बंदा इधर हो ना वो अकलमंद हो जी वो पहले ना सर उसने किया क्रॉस तो नहीं हुई हाँ ये कह रहे थे होगी कि मैंने कहा अभी नहीं हुई ऐसे ही होगी तो पता लग तो इसलिए बंदा वो बैठाना जिसको इन चीज़ों का इलम हो जी वरना कोई फायदा नहीं वरना फिर आपके ना रिपीट चांस बहुत ज़्यादा हो जाने मेहनत दो तरीके हैं या तो खुद रहे या तजर्बाकार बंदा भी उठाएं इस काम के लिए या दो बकरे छोड़ दें बकरे वो मैं सोच रहा था वो दूसरा भी मैंने तैयार किया हुआ साथ बैकअप के तौर पे तो फिर इकट्ठा नहीं छोड़ सकते ना इनका सर ये कर सकते हैं कि अब ये जो है आधे इधर रहे बाहर और आधे इधर अंदर कर ले तो इधर छोड़ देंगे हाँ ये हो सकता है क्योंकि अब हमारे पास और तो जगह कोई नहीं है इधर दो बजे दिन को धूप यहाँ तक करती है 2 बजे वो बकरा निकाल दें तो इनको अंदर कर लें दोनों निकाल दें फिर ये भी हो सकता है सुबह सिर्फ सुबह के टाइम बकरे छोड़े नहीं सर जी प्रोटोकॉल में है मेरे ख्याल से कि अब रहने चाहिए 24/7 हमें पता होगा कि ये 3 दिन में हमारी क्रॉस हो देखें ये मुश्किल काम है मैं लाहौर जा रहा हूँ मुझसे होता नहीं आप कर लें जैसे अपने दिमाग को इस्तेमाल में लें क्योंकि थोड़ी सी गलती होगी ना आपसे थोड़ी सी भी बकरियाँ रिपीट हो जानी नहीं होती ये ज़रा ध्यान रखिएगा ये पट्टे भी अब इनमें से 14-15 पट्टे जो है ना अभी इस साल जो है वो अगले साल अप्रैल में वो क्रॉसिंग में आ जाएंगे अप्रैल में ना तो वो पीछे देखा जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्राम भी लगाए जा रहे हैं देखिए अब क्या बनता है उसका ए। अगले साल
डॉक्टर साहब अब अगले साल अप्रैल में तकरीबन 50 से 60 बकरियां जी सर आ जानी है फीड में। ये भी हमारी तो मिल्क वालियां 30 और 25-30 यहां से हो जानी है। 25-30 नहीं होनी, 14 या 15 होनी। बड़ी है सर काफी इसमें, चार दांत वाली नहीं, वो 14 या 15 है ना, वो एक तो मार गई चली जानी है सर। 15 थी एक मार गई थी, मेरे हिसाब से 14 है, 50-55 तक चली जाएगी। कोई इनमें से भी रह जानी है। हां इनमें से भी रह जानी है। हां जी ऐसे ही है, कोई इनमें से जिन्होंने बच्चे करेंगे कि इनको ना करवा लें, सारी बेहतर करवा लें ना। अब ये मैनेज करना आपका काम है जी, ये टेक्निकल है थोड़ा, मैं जा रहा हूँ इसलिए ये फिर खुद कर लूँ जी सर। मैं कर रहा हूँ इन पे आपकी कारकर्दगी का अंदाज़ा हो गया ना कितनी रिपीट होती है। कुछ तो अगर फैट लाइन वो पतली हो चुकी हैं जी सर, हाँ अब मोटी कोई भी नहीं कुछ है सर, वो ये वाली ये भी। तो ये पतली क्यों नहीं हुई ये सर? नहीं हुई, बाकी इनके साथ वाली पतली हो गई, वो बैठे साथ ये भी नहीं हुई, दो नहीं हुई और ये भी नहीं हुई। नहीं ये जो है ना ये किसी हद तक हो चुकी है जी सर, वो थोड़ी है बहरहाल करेंगे सर जो बेहतर लगे कर लेंगे। ये जेड़ा बच्चा पुछल चुक के रखे ना उन्होंने भी डायरी ही होता है क्योंकि उन्होंने तकलीफ हो रही होती है। तीन तरह के डायरिया मौजूद हैं जी आज, एक कीड़ों वाला, एक जैलवश दूध वाला और एक मिट्टी वाला। डॉक्टर साहब कहते हैं जी कि जानवर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ट्रीटमेंट हो चुकी है। एक वो बच्चा दुम गंदी उसकी, मुस्तफा साहब की एक बार तीमारदारी कर लें। आँखों पे कपड़ा लिया हुआ है, मेरा दिल है रेस्ट ही करने देते हैं। अदनान गल सुनियो, अदनान साहब से पूछते हैं हरगोश अपना हरगोशा ने बच्चे वधे ने कि उन्नी जी 54 हो गए, 4 हो रहा है जी हाँ। हम 17 तरीक नू डेट साड़ी, 17 नू 4-5 वर्ष हो जाने फिर गुब्बाई ने सुन दी इन को डेटा सारिया साढ़े को। अच्छा 54 ठीक है, जो जो सुनिए जी सर कार्ड का नाल मेंटेन करते जा रहे हैं। ठीक है सही, हरगोशों के जी 54 बच्चे हो चुके हैं। ये एक हमने घी गिफ्ट ले लिया जहाँ पे जा रहे हैं हमने, नुमान गड्डी रख दो यार। चले जी फिर उधर से हालत पतलू साहब को लेते हैं साथ और चलते हैं जी लाहौर। ये बकरी क्रॉस हो चुकी है, डॉक्टर साहब स्कैन कर रहे हैं, देखा ना अब स्कैन करके इसका नंबर लिख लेंगे। ये देखा ये स्कैन कर लिया है, अब स्कैन के बाद इसका नंबर लिख लेंगे। बहुत मोटी दादी बकरी है, सबसे हैवी बकरी इधर फार्म पे छाई जाएगी, 110 किलो तो पक्का वजन होगा इसका हाल ही का भी। भाट साहब खड़े हैं जी गेट पे, इन्हें अलविदा कहते हैं। मार्जिन पूरा सही है गेट का भी। भाट साहब मैं जरा लाहौर जा रहा, शक्कर पड़िया हमारा काम खराब हो गया, भाट साहब पहले ही मशकूक हो जाते हैं। तकरीबन 23 करोड़ साल पहले जिंदा थे, ये एक नए किस्म का जानवर है। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये डायनासोर की नस्ल है या कोई इससे हट के कोई चीज़ है। हालत पतलू साहब और महमूद साहब जनाब
सब वे पे ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर किसने किया है? हालत हम यहाँ पे तो पहुँच गए मीटिंग की जगह पे। इन्विटेशन बड़ी अच्छी लगी है। मेज़बान के लिए जी हम एक घी का तोहफा भी लेके आए। साढ़े पाँच बजे के मीटिंग हमारी एंड हो गई। अब वापसी का इरादा जी। हालत पतलू साहब अब ये खड़े हैं। मीना भी दोस्त कहते थे गोल मंडी में ना, तो हमारा घर जो दादी का घर था